मिशन फ्री लीगल एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच डॉक्टर उत्तम द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, साथ ही आग्रह करता हूं कि क्लास का संचालन प्रारंभ करें। आदरणीय सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सबको। हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे मध्य प्रदेश बना, चार अलग अलग पार्ट को मिलाकर मध्य प्रदेश बना, उन चार पार्टों के अलग अलग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो उन चारों भागियों के मुख्यमंत्रियों में से रविशंकर शुक्ल जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया और शेष तीन शेष कौन थे, तखतमल जैन मध्य भारत के, शंभुनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के और शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो ये तीनों उन्हीं की कैबिनेट में मेंबर बन गए। इसके बाद हमने देखा कि रविशंकर शुक्ल जी की 2 महीने के अंदर ही मृत्यु हो गई। क्यों हुई उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था। आपको अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो पिछला वाला लेक्चर देखें, तब आपके दिमाग में ये बातें पूरी तरह से बैठ जाएंगी। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें जानकारी भी होना चाहिए अपने प्रदेश के बारे में। अब उसके बाद जैसे ही रविशंकर शुक्ल मरे थे कि अंतरिम व्यवस्था के तहत भगवंत राव मंडलोई जी को दूसरा सीएम मध्य प्रदेश का बना दिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो अंतरिम व्यवस्था थी। अंतरिम व्यवस्था बहुत दिन चली नहीं थी, 1 महीने ही भी नहीं हुआ था और उन्हें बदलने की बारी आ गई। अब प्रश्न ये उठा कि सीएम बना किसे दिया जाए। तो उस समय सीएम पद के 3 प्रमुख दावेदार हुआ करते थे, या कह लीजिए 4। 3 दावेदारों में से वही 3 दावेदार तो वही थे जो पुराने सीएम थे। मध्य भारत के तखतमल जैन वो अपना दावा कर रहे थे सीएम बनने के लिए, विंध्य प्रदेश से शंभुनाथ शुक्ला अपना दावा कर रहे थे और एक नए दावेदार आ गए थे जबलपुर से सेठ गोविंद दास, वो भी अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे। अब ये तीनों इस जुगाड़ में थे कि हम सीएम बन जाएं, लेकिन इन्हें संदेह हो गया था कि लगता है नहीं बनेंगे क्या। तो ये तीनों एकजुट हुए और एकजुट होकर इंदौर में अधिवेशन हो रहा था, 1957 की बात बता रहा हूं, अधिवेशन हो रहा था इंदौर। उस अधिवेशन में नेहरू जी भी आए थे, कांग्रेस का ही अधिवेशन था। ये तीनों नेहरू जी से मिलने गए भावी सीएम की चर्चा कर। नेहरू जी से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन पंत जी से मुलाकात हो गई, गोविंद वल्लभ पंत जी से, और पंत जी से इन्होंने अपनी बात रखी। तो पंत जी का कहना यह था कि नेहरू जी जो फाइनल कर लेंगे वही मुझे स्वीकार होगा, और हुआ भी। एक वो नाम आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और वो नाम था प्रसिद्ध वकील कैलाशनाथ काटजू। और कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे सीएम बना दिए गए। अब कैलाशनाथ काटजू जी के बारे में पहले पृष्ठभूमि जान लें, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल जानेंगे, फिर वो कैसे हटे वो जानेंगे। तो मैं आपको पृष्ठभूमि में लिए चलता हूं। कैलाशनाथ काटजू जी के पिताजी का नाम था त्रिभुवन नाथ काटजू। ये मध्य प्रदेश के जावरा जिला रतलाम के थे, लेकिन इनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी और फिर लॉ की डिग्री इन्होंने इलाहाबाद से ली। और इलाहाबाद उस समय लॉ का बहुत बड़ा हब हुआ करता था, आज भी है, और हाई कोर्टों में इलाहाबाद की जो अपनी रिपुटेशन है वो बहुत कम हाई कोर्टों को प्राप्त है, ये आप सबको मालूम होगा, सब वकील हैं आप। तो इलाहाबाद में ही ये वकालत करने लगे और इतने तेज तर्रार वकील बने कि फेमस हो गए, बहुत बहुत जल्द ही वो वहां फेमस हो गए। मोतीलाल नेहरू जी के साथ ये वकालत किया करते थे और भारत के गिने चुने वकीलों में से एक नाम कैलाशनाथ काटजू का हुआ करता था।
1935 का अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। उत्तरदायी सरकार का मतलब है जैसे आज सरकारें गठित होती है, मतलब सरकार अब गवर्नर नहीं चलाएंगे, सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाएंगे। जब ये व्यवस्था 1935 के अधिनियम में हो गई तो 1937 में चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेशन किया। तो जब कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा तो कई राज्यों में चुनाव कांग्रेस ने जीते, उनमें से एक राज्य यूनाइटेड प्रोविंस था, वहां भी कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया। और यूनाइटेड प्रोविंस आपको अगर पता हो तो वो आज का उत्तर प्रदेश ही था, तो वहां भी जीत गए और गोविंद वल्लभ पंत सरकार के मुखिया बन गए, कह लीजिए प्रधानमंत्री बन गए, कह लीजिए मुख्यमंत्री बन गए। गोविंद वल्लभ पंत उस समय के नामी वकील कैलाशनाथ काटजू को अपना कानून मंत्री बनाना चाहते थे। गोविंद वल्लभ पंत ने कानून मंत्री की पोस्ट छोड़ दी, कहा इसमें कैलाशनाथ काटजू ही बैठेंगे। सोचो आप में अगर योग्यता है तो पद आपका इंतजार करते, और अगर योग्यता नहीं है तो आप हाथ जोड़े पद की याचना करते। योग्य थे काटजू जी, कानून मंत्री उनका पद इंतजार कर रहा था परतंत्र भारत में। सोचिए आप, स्वतंत्र भारत की नहीं बात कर रहा हूं, परतंत्र भारत की बात कर रहा हूं। कैलाशनाथ काटजू जी के पास जब मैसेज आया पंत जी का कि आपको कानून मंत्री बनना है तो उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो गोविंद वल्लभ पंत जानते थे कि इनकी राजेंद्र प्रसाद से जी से बहुत बनती है, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास गए और बोले मेरा एक काम कराइए, कानून मंत्री का पद मैं चाहता हूं काटजू जी को ही मिले। राजेंद्र प्रसाद मनाने पहुंचे उन्हें कि आप कानून मंत्री बनिए। बहुत देर तक तो वो नहीं माने, लेकिन फाइनली राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह को वो ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने एक शर्त पर कानून मंत्री का पद ज्वाइन करने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पहले आप मेरी पासबुक देख लीजिए, उसके बाद मैं कानून मंत्री बनूंगा। बोले पासबुक क्यों देख लूं? बोले पासबुक इसलिए देख लीजिए कि भविष्य में जब कभी भी मैं मंत्री का पद छोड़ूं तो मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगे कि ये मंत्री पद के भ्रष्टाचार की कमाई से ये संपत्ति इकट्ठा की गई। उस जमाने में 37 के जमाने में उनके अकाउंट में 13 लाख रुपया था और उनके महीने की जो प्रैक्टिस थी वो 30,000 रुपया महीने की थी और 37 में एक गाड़ी अच्छी कार 3,000 रुपया में आती थी, अर्थात वो चाहते तो हर महीने 10 गाड़ियां खरीदने की क्षमता रखते थे अपनी प्रैक्टिस से, लेकिन देश के लिए प्रैक्टिस छोड़ा, कानून मंत्री बने। कानून मंत्री बनने के बाद उनकी शोहरत बढ़ती गई। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आजाद हिंद फौज ने आजाद भारत को आजाद कराने के लिए हथियार उठाए, व्यूह रचना की, उसमें बहुत सारे आजाद हिंद फौज के सिपाही पकड़े गए। उनका केस लड़ने के लिए कैलाशनाथ काटजू को चुना गया। कैलाशनाथ काटजू जी ने जब वो केस लड़ा तो उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। कैलाशनाथ काटजू की प्रसिद्धियां भी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब उन्हें संविधान सभा 1946 में गठित होनी थी, उस संविधान सभा में वो यूपी से चुनकर नहीं आ पाए, तो फिर नेहरू जी, चूंकि संविधान का निर्माण होना था, संविधान मतलब सर्वोच्च कानून जिसके अंतर्गत अब भारत के सारे कानूनों को समाहित होना था, इसलिए उसमें कानून विशेषज्ञ की महत्ता अपने आप स्थापित थी। इसलिए नेहरू जी ने मध्य भारत से एक व्यक्ति चुनकर आए थे, सीताराम जाजू। उन सीताराम जाजू को इस्तीफा दिलवा दिया
और उनकी जगह कैलाशनाथ काटजू संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। ये सारे फैक्ट आपके लिए जरूरी हैं। संविधान सभा का सदस्य कौन था ऐसा मुख्यमंत्री बताइए, तो वो कैलाशनाथ काटजू भी थे, रविशंकर शुक्ल भी थे, भगवंत राव मंडलोई भी। तो काटजू चुन लिए गए संविधान सभा के मेंबर। अब भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद भारत के पहले गृह मंत्री बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सहयोगी हुआ करते थे बी के कृष्ण मेनन। इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी रियासतों के विलय। वर्तमान भारत का जो स्वरूप दिखाई आपको देता है उसमें इन दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार पटेल की दुर्भाग्य से जल्दी ही मृत्यु हो गई, और 50 में राजगोपालाचारी अगले गृह मंत्री बन गए। उसके बाद कैलाशनाथ काटजू 1951 में भारत के तीसरे गृह मंत्री बना दिए गए, और 1955 तक यही गृह मंत्री बने रहे। तो कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो गृह मंत्री भी था? वो कैलाशनाथ काटजू। 1955 में इन्हें गृह मंत्री से हटा के भारत का रक्षा मंत्री बना दिया गया, और जब इन्हें मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया तब ये भारत के रक्षा मंत्री ही थी। अब इन्हें रक्षा मंत्री से हटाकर मध्य प्रदेश का सीएम क्यों बनाया नेहरू जी? इसके पीछे दो महत्वपूर्ण वजह थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह यह थी कि जो बाकी के 3-4 लीडर थे वह आपस में हर सब सीएम बनना चाहते थे, और ये स्थापित सत्य है कि जब आप आपस में लड़ोगे 3-4 लोग तो फायदा किसी अन्य का होगा। वही हुआ। गोविंद दास, शंभुनाथ शुक्ला, तखत मल जैन आपस में लड़ रहे थे तो उनको लगा किसी एक को बनाएंगे तो दो असंतुष्ट होंगे तो किसी तीसरे को बना दिया, इसलिए कैलाशनाथ काटजू को चुन लिया गया। एक बड़ा कारण और था, नेहरू जवाहरलाल नेहरू से बड़े थे कैलाशनाथ काटजू, उन्हें वो भैया कहते थे तो उन्हें बहुत कुछ कह नहीं पाते थे। वो रक्षा मंत्री के रूप में वो बी के कृष्ण मेनन की प्रतिभा से परिचित थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि मैं रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन को बना दूं, वो ज्यादा उपयुक्त रहेंगे, तो उन्हें रक्षा मंत्री बनाना था। तो अब इन्हें कहां भेजें? तो यहां असंतोष व्याप्त था, कई लोग दावेदार थे इसलिए उनको यहां भेज दिया, तो यहां उनकी दावेदारी समाप्त हो गई और वहां रक्षा मंत्री का पद खाली हो गया। मतलब एक तीर से दो निशान लगाए नेहरू जी, और वो रक्षा मंत्री बना दिया वहां बीके कृष्ण मेनन को, और यहां बन गए कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तो उनकी परीक्षा होनी बाकी थी। क्यों? क्योंकि अभी तो चुनाव होना था। मैंने बताया था पहला आम चुनाव 52 में हुआ था, तो दूसरा आम चुनाव 57 में ड्यू था, मार्च फरवरी 57 में, जनवरी में ही बन गई है। अब जब ये सीएम बन गए तो इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो जय ही थी। 288 सीटें थी उस समय, और 288 सीटों में से 232 सीटें कांग्रेस जीती, और कांग्रेस की फिर से सत्ता बन गई, और कैलाशनाथ काटजू अगले सीएम फिर बना दिए गए। तो पिछली चुनाव के पहले एक महीने सीएम रहे और फिर इस बार फिर सीएम बन गए। और अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्निकली मध्य पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले, 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका आंसर कैलाशनाथ काटजू ही हो। क्यों? क्योंकि रविशंकर शुक्ल 2 महीने रहे, 1 महीने से भी कम भगवंत राव मंडलोई रहे, और उसके बाद कैलाशनाथ काटजू ही 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा कर पाए। तो 57 का चुनाव हुआ, कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के सीएम। जब कैलाशनाथ काटजू को सीएम बनाया गया था, और सीएम बनने के बाद
जब वो पहली बार भोपाल पहुंचे थे तो भोपाल में उन्हें जानने वाला कोई नहीं, कोई नहीं जानने वाला था। लेकिन कैलाश नाथ काटजू जैसे प्रसिद्ध वकील को इसकी कहां चिंता थी। आए वो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया, फिर चुनाव भी जीत गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। सादगी बहुत थी, ईमानदारी बहुत थी, चूंकि पैसा तो उनके पास अथाह था। उस समय मुख्यमंत्री को 250 रुपया अलाउंस मिला करता था खर्चे के लिए, नाश्ता पानी के लिए। कैलाश नाथ काटजू जी ने कभी नहीं लिया, अपने इलाहाबाद की वकालत के अमाउंट से ही वो अपना खर्चा चलाते थे। हर महीने 1000 रुपया वहां से आया करता था। और भुलक्कड़ भी बहुत थे वो, भुलक्कड़ी का किस्सा भी एक बड़ा फेमस हुआ। एक बार वो छतरपुर आए दौरे पे, सर्किट हाउस में रुके थे। सर्किट हाउस में मिलने वाले आए सीएम ही थे, मिलने वाले बहुत सारे लोग आए उनसे। वो एक व्यक्ति उनका, बाकी जो मिलने आए थे उनका सबका परिचय करा रहे थे। वो जो व्यक्ति परिचय करा रहे थे वो थे दशरथ जैन, और वो कैलाश नाथ काटजू जी की कैबिनेट में ही मंत्री हुआ करते थे। वो सबका परिचय करा रहे थे सीएम साहब से, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। परिचय हुआ, जब सबका परिचय खत्म हुआ तो काटजू जी ने कहा, आपने अपना परिचय तो बताया ही नहीं, अब दशरथ जैन के काटो तो खून नहीं। बोले, सीएम साहब मैं तो आपके कैबिनेट का, मैं दशरथ जैन। कहें, अच्छा इस नाम का एक व्यक्ति तो मेरे कैबिनेट में भी है। बोले, मैं वही कैबिनेट का ही दशरथ जैन। तो ये किस्सा भी बड़ा फेमस हुआ कि कैबिनेट मेंबर को ही नहीं जान रहे हैं सीएम साहब। खैर, दशरथ जैन की जो थोड़ी बहुत बनी थी सीएम साहब के सामने इमेज की, सबसे परिचय करा रहे हैं, उसको उनकी भुलक्कड़ी ने बहुत घाटा लगाया। खैर, इसके बाद इन्होंने एक बड़ा काम किया भोपाल को, भोपाल को एक खूबसूरत बनाना चाहे। दौरे में गए अरेरा पहाड़ी घूमने, इनको लगा कि अरेरा पहाड़ी में क्यों ना एक भव्य मंदिर बना दिया जाए। अब इन्होंने भव्य मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बना दिया। उस ट्रस्ट में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए, बहुत सारा पैसा नहीं जुड़ पाया, इसलिए इनका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन इनको यह तय था कि मुझे मंदिर बनवाना ही है। अब मंदिर जब बनवा रहे थे तो पैसा तो होना ही चाहिए था। इसी बीच में बिड़ला ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जता दी। उन्होंने कहा, इन्वेस्ट करिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमें आपसे कुछ मदद की जरूरत है। बिड़ला साहब ने कहा, क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि अरेरा पहाड़ी में आप एक मंदिर बनवा दें। और उसके बाद अरेरा पहाड़ी में एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे आप लोग जानते होंगे बिड़ला मंदिर के नाम से। वही मंदिर फेमस है, वो कैलाश नाथ काटजू के ही इनिशिएशन का परिणाम है कि वो वहां बना। चंबल एरिया मध्य प्रदेश में है, आप सबको पता है। चंबल एरिया कहते इसलिए है क्योंकि वहां चंबल नदी बहती है। लेकिन वो एरिया चंबल नदी की जैसी नदी होने के बाद भी बड़ा पिछड़ा एरिया था, सूखाग्रस्त एरिया था, सींच का साधन नहीं था, इसलिए गरीबी थी। काटजू जी को लगा कि क्यों ना हम चंबल क्षेत्र का उद्धार करूं मैं, इसलिए उन्होंने चंबल क्षेत्र में चंबल नदी पर एक बहुउद्देशी परियोजना की आधारशिला रखी, बनाना चाहा, प्लानिंग की। लेकिन तब पैसा नहीं हुआ करता था राज्य सरकारों के पास, इसलिए उन्होंने वो बहुउद्देशी परियोजना, जिसे आप कहते हैं गांधी सागर डैम चंबल परियोजना, जिसमें गांधी सागर डैम बना है मंदसौर में, तो चंबल प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। योजना आयोग से कहा कि मुझे पैसा चाहिए चंबल नदी में वे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इससे सिंचाई भी होगी, बिजली उत्पादन भी होगा और लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। एक दो बार इन्होंने योजना आयोग में प्रयास किया, लेकिन जब वहां से पैसा मिला नहीं, नानुपुर होता रहा, तो स्वाभिमानी आदमी थे,
ये योजना आयोग जाना ही बंद कर दिए और इन्होंने जन सहयोग से बहुत बड़ी राशि इकट्ठा कर और चंबल प्रोजेक्ट पर इनका काम शुरू हो गया और चंबल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखाया, इसीलिए इन्हें चंबल के सीएम साहब के रूप में भी जाना जाता है। ये एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था जो इन्होंने पूरा किया। 57 में चुनाव हुए थे, 62 तक ये सीएम रहे आए, 62 तक। अब 62 में फिर चुनाव होने थे, जब 62 के चुनाव की तैयारी हो रही थी तो 62 के चुनाव में ये सीएम के रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे, ये वहीं जावरा से लड़ रहे थे। चूंकि ये सीएम थे तो ये अपना विधानसभा क्षेत्र भर नहीं देख रहे थे, बाकी जगह भी दौरे करते थे। दौरा करते करते ये रीवा आए। अब रीवा में रुक के मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूं। ये चूंकि वकील थे, इनका मानना यह है था कि मैं सरकार का मुखिया हूं इसलिए मुझे सरकार चलाना है और कांग्रेस संगठन जो है वो संगठन चलाएगा, और कांग्रेस संगठन के हेड बन गए थे उस समय महाकौशल क्षेत्र के एक नेता हुआ करते थे मूलचंद देसलहरा, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये सीएम हुआ करते थे, लेकिन ये संगठन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसका फायदा उठाया देसलहरा जी ने और देसलहरा जी ने पूरे मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। और इसके अलावा सेठ गोविंददास, शंभुनाथ शुक्ला, तखत मलजैन, सबके अपने अपने गुट थे संगठन में। ये सरकार चलाने में ही व्यस्त रह गए जिससे इनकी संगठन में पकड़ थोड़ी कमजोर हुई। चुनाव आ गया, चुनाव में ये प्रचार करने रीवा आ गए। अब ये जितने अलग अलग गुट थे ये कोई नहीं चाहते थे कि अगला सीएम भी यही बन जाए, और देश लहरा ने पूरे मध्य प्रदेश में अपनी ख्याति बना ली थी तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि अगले सीएम भी यही बन जाए। नेहरू जी भी आए थे रीवा की सभा में और कैलाशनाथ काटजू भी थे। दोनों की सभा चल ही रही थी कि टेलीग्राम आया, तार आए। तार में लिखा कि मध्य प्रदेश बाद में संभालिएगा, पहले जावरा पहुंचिए, आपका चुनाव मुश्किल में। ये पढ़ा नहीं कि काटजू साहब को काटो तो खून नहीं। काटजू साहब ने वो तार नेहरू जी को पकड़ाया और तुरंत जावरा के लिए रवाना हो, और अपना चुनाव मैनेज करने का प्रयास तो उन्होंने किया लेकिन वो सफल नहीं और चुनाव हार। सीटें भी कम आई, मध्य प्रदेश में भी सीटें कम आई। अब जब मध्य प्रदेश में सीटें कम आई तो और मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए, नेहरू जी को वो बातें सब पता चली। नेहरू जी बहुत नाराज हुए और किसने ये सब किया ये जानने के लिए हैदराबाद के एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे रामकृष्ण राव, उनको जांच दल का अध्यक्ष बना के भेज दिया। उन्होंने जांच की, जांच के बाद उन्होंने पाया कि हार की दो मुख्य वजहें थी। एक तो कांग्रेस संगठन अलग अलग गुटों में बट गया है, वो आज भी है, और दूसरा बड़ा कारण था कि देसलहरा जी ने वहां भीतरघात किया। परिणाम कांग्रेस के नेहरू जी के कोपभाजन बने देसलहरा और उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया। अब सीएम तो चुनाव ही हार गए थे लेकिन नेहरू जी अभी हार नहीं माने थे। नरसिंहगढ़ के एक राजा हुआ करते थे भानु प्रकाश सिंह, वो विधायक भी चुन लिए गए थे और सांसद भी थे। नेहरू जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा आप सांसद हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप काटजू जी के लिए विधायकी का पद छोड़ दें। नेहरू जी की बात भला कौन ताड़ने वाला था, वो सांसद थे तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी। वो उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया
और उनकी जगह काटुजू जी को चुनाव लड़ाया गया। काटुजू जी जब चुनाव लड़े तो वो चुनाव जीत गए, उपचुनाव में चुन के लिए आ गए वो, लेकिन इन सब में थोड़ा टाइम लगा। तब तक सीएम पद की दौड़ में जो लोग शामिल थे वो अगला सीएम बनने के लिए प्रयासरत हो गए। फिर से वही तिकड़ी, गोविंद दास भी चाह रहे थे, तखतमल जैन भी चाह रहे थे और शंभुनाथ शुक्ल भी जा रहे थे, लेकिन लड़ाई का फायदा फिर तीसरे को मिला और नेहरू जी ने भगवंत राव मंडलोई को 1962 में अगला सीएम बना दिया। और अक्टूबर 62 से लेकर, नहीं मार्च 62 से लेकर सितंबर 63 तक, यानी लगभग 1.5 साल तक भगवंत राव मंडलोई ही मध्य प्रदेश के अगले सीएम बने। अब इस बीच में एक और परिवर्तन, अभी तक 12 साल से वनवास झेल रहे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर एंट्री हो गई और वो फिर से कांग्रेस में आ गए। और क्यों आ गए, उसके 2-3 बड़े कारण थे। एक कारण तो ये था कि कांग्रेस पार्टी के हेड थे नेहरू जी और 62 में चाइना का युद्ध हो गया था, उस चाइना के युद्ध में भारत बुरी तरह हार गया था, इसलिए नेहरू जी की भी पकड़ देश में और कांग्रेस पार्टी में भी कमजोर हो गई थी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अब चुनाव हारना शुरू हो गई थी। 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुमत नहीं मिला था, 4 सीटें कम थी, केवल 144 सीटें मिली थी, 4 सीटें कम थी। वो कांग्रेस पार्टी जो एक तरफा जीतती थी उसकी ये स्थिति आ गई थी, तो पार्टी कमजोर हो गई थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी, इंदिरा गांधी की भी राजनीति में एंट्री हो गई थी और नेहरू जी से तो द्वारिका प्रसाद मिश्र की तलखी थी, लेकिन इंदिरा जी उनकी बुद्धिमत्ता की कायल थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो कांग्रेस पार्टी में रहें। और इसके अलावा नेहरू जी के सलाहकार बन चुके थे तब शीला दीक्षित जी के पिताजी, और वो द्वारिका प्रसाद मिश्र को की योग्यता से बखूबी परिचित थे, उन्होंने भी नेहरू जी को समझाया। और डीपी मिश्र साहब की नेहरू जी से मुलाकात हुई तो वो जो दूरियां थी वो भी कम होना शुरू हो गई थी। इस कारण द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। भगवंत राव मंडलोई सीएम हुआ करते थे और इनकी एंट्री हो चुकी थी। इस बीच में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी थी, कांग्रेस का जनाधार घट रहा था, तो कांग्रेस का जनाधार कैसे वापस पाया जाए, इसके लिए एक नेता हुआ करते थे दक्षिण भारत के, जो मुख्यमंत्री भी हुए और बड़े नाम थे, के कामराज, कांग्रेस अध्यक्ष भी हुए बाद में, के कामराज। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को के गुटी राजनीति से कैसे बाहर लाया जाए और कांग्रेस पार्टी का जनाधार फिर से कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए एक योजना पेश की, जिस योजना का नाम है कामराज प्लान। उस कामराज प्लान में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को अपना जनाधार वापस पाना है, फिर से जनता के बीच विश्वास अर्जित करना है, तो जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन्हें सरकार से हटाया जाए, सरकार का पद उनसे छीना जाए, उन्हें खाली कराया जाए और उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दिया जाए ताकि संगठन मजबूत हो सके, और संगठन जब मजबूत होगा तभी कांग्रेस का जनाधार वापस मिले। और कामराज उस समय स्वयं सीएम थे और ये प्लान देने के बाद
सबसे पहले उन्होंने ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब अगर प्लान अपने प्लान को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री पद की बलि चढ़ा दी हो तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री कैसे बचता। भगवंत राव मंडलोई भी उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे, तो कामराज प्लान की चपेट में वो भी आ गए, और जब वो भी चपेट में आ गए तो उन्हें भी अपने मुख्यमंत्री पद को गंवाना पड़ा। तो मध्य प्रदेश में सीएम का पद फिर से खाली हो गया चुनाव के 1.5 साल बाद। अभी 3.5 साल कार्यकाल बचा था, सीएम पद खाली। अब जैसे ही सीएम पद खाली हुआ तो राजनीति के सारे जानकारों को यह पता था कि नेहरू जी की पसंद तो काटजू जी हैं। अब काटजू जी को ही वो जान रहे थे कि फिर से सीएम बना दिया जाएगा। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को चाणक्य राजनीति का ऐसे नहीं कहा जाता। द्वारिका प्रसाद मिश्र को भी पता था कि नेहरू जी तो काटजू जी को ही बनाएंगे। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने पहली चाल चली और कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि काटजू जी ही मध्य प्रदेश के सीएम बने। लेकिन काटजू जी का जो सम्मान है, जो ख्याति है और जो उनका ओहदा है, उसका ध्यान रखते हुए, साथ में उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए, ये जरूरी है कि सर्वसम्मति से ही उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाए। तब तक 63 तक आते आते उनकी एज 76 साल की हो गई थी काटजू जी की। जैसे ही यह बयान द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने दिया कि देश लहरा का जो गुट था, वही देश लहरा जिन्होंने हरवाया था काटजू जी को, वो अटैक मोड में आ गया और उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को पता था कि जैसे ही मैं नाम लूंगा वैसे ये आ जाएंगे। जैसे ही वो आए और उन्होंने कहा कि विधायक दल की मीटिंग हो और उसमें फैसला होगा कि कौन बनेगा, काटजू जी सारा माजरा देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लगता है कि मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी दावेदारी स्वयं से वापस ली। और जब उनकी दावेदारी खत्म तो उनका विरोध करने वाला भी खत्म, देश लहरा भी खत्म। अब दावेदार केवल बचे तखत मल जैन, और दूसरे दावेदार हो गए थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। 12 साल बाद आए थे कांग्रेस पार्टी और सीधे सीएम पद के दावेदार हो गए। अब नेहरू की स्थिति कमजोर हो गई थी। नेहरू अब इस स्थिति में नहीं बचे थे कि वो चुनाव कर, वो जिसे नियुक्त कर दें वही बन जाएगा। खैर, दोनों के बीच लोकतांत्रिक तरीके से सीएम पद का दावेदार चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और लोकतांत्रिक तरीके से सीएम चुनना मतलब विधायकों के वोट से सीएम चुनना, विधायकों के वोट तलाशे गए। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने अपनी तरफ विधायकों को करना शुरू किया और तखत मल जैन जी ने अपनी तरफ विधायकों को करना शुरू किया। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने 18 से 20 विधायकों को सागर में एकांत में रखा और पहली बार वोटिंग हुई कांग्रेस में, और उस वोटिंग में वही 18-20 विधायकों के वोट डीपी मिश्र जी को ज्यादा मिले और डीपी मिश्र मध्य प्रदेश के अगले सीएम चुन लिए। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के 5वें नंबर के सीएम बन गए द्वारिका प्रसाद मिश्र। और ये वो सीएम हैं जिनके इर्द गिर्द ना केवल मध्य प्रदेश की राजनीति घूमने लगी थी, बल्कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसमें भी द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की ही भूमिका हुआ करती थी। कहते हैं जब इंदिरा गांधी पहली बार सीएम बनी है, पीएम बनी है, तो वो के कामराज और द्वारिका प्रसाद मिश्र की ही पूरी बुनी हुई गाथा थी। उसी का परिणाम था कि वो पहली बार मध्य प्रदेश भारत की पीएम बनी
और उनके कार्यकाल में द्वारिका प्रसाद मिश्र हमेशा उनके बड़े करीब में रहे। ये भी कहा जाता है कि जो उनकी पॉलिसियां लागू हुई, खासकर रियासतों का विलीनीकरण, सॉरी जो प्रिवी पर्स मिले थे राजाओं को, उनको जो छीनने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी द्वारिका प्रसाद मिश्र की ही देन थी। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र सीएम बन गए। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी का कार्यकाल इतना जबरदस्त था, इतना विविधता भरा था, इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके लिए एक घंटे चाहिए अकेले। तो वो मैं अब आज बता के खराब नहीं करूंगा, थोड़ा सा आज कम लेक्चर ले रहा हूं। अगले लेक्चर में मैं आपको द्वारिका प्रसाद मिश्र की कहानी शुरू से अंत तक बताऊंगा, बड़ा ही रोचक इशू होगा, उसको आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा। पिछले लेक्चर में मेरे कुछ डाउट थे आपके पास, वो डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन बने 14 थे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। तो सिफारिश 16 की हुई थी, लेकिन सरकार ने 14 राज्य बनाए। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पार्ट ए था उसमें कितनी रियासतें शामिल थी, तो उसमें रियासतें शामिल नहीं थी, उसमें पार्ट ए में उस एरिया से राज्य बनाए गए थे जहां पर ब्रिटिशों का डायरेक्ट शासन था, तो वहां रियासतें थी ही नहीं, इसलिए वहां संख्या नहीं दी गई थी। ये दो क्वेश्चन रह गए थे, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें स्पष्ट हो गई होंगी। इसके बाद द्वारिका प्रसाद मिश्र कैसे बने, फिर गोविंद नारायण सिंह कैसे अलग हुए, फिर श्यामा चरण शुक्ल कैसे सीएम बना दिए गए, और कैसे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने अपनी दोस्ती का बदला श्यामा चरण शुक्ल जी को सीएम बना के पूरा किया, रविशंकर शुक्ल जी ने उनके लिए अपने प्राण दिए, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने उनके पुत्र को अगला सीएम बना के अपनी दोस्ती का कर्ज अदा करने का प्रयास किया, वो अगले लेक्चर। धन्यवाद सर आपके सारगर्भित।